टू चॉकलेट टाइम्स और हमारे साथ द ग्रेट आगा अली मौजूद है जो किसी का नाम नहीं ले रहे. नहीं मैं लेता हूँ. आगा अली, आयशा, आपका क्या नाम है? मोमिना. अच्छा हमें पता चला है कि आप बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं. आपको पता चला है? तो अब बताइए कि आप किसकी मिमिक्री करना चाहेंगे, अली जफर या फहद मुस्तफा? यार फहद मुस्तफा की तो मुझे नहीं लगता कि कोई, मतलब आई लव हिम, ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल वी हैव इन द कंट्री. लेकिन फहद की कोई मिमिक्री मुझे नहीं लगता कि कर सकता है. आई थिंक इज टू ओरिजिनल फॉर दैट. ओके बट अली जफर जो मेरे मेरे आइडल रहे हैं, अभी भी हैं. आई मीन ही इज ऑलवेज बिन अ रोल मॉडल टू मी व्हेन आई वाज इन कॉलेज. तो कॉलेज में हम ऐसे ही कभी कभी एक एड आया था, तो उसमें अली कहते हैं कोई है जो ट्विस्ट करा दे. तो वहां से ये क्या बात है शुरू हुआ. और थोड़ी सी और करें, जरा गाना गा देते हैं एक थोड़ा सा. अच्छा हाँ हाँ क्यों अली नहीं? की तरह. हाँ बिल्कुल. अरे वाह ये बहुत किया है मैंने. झूठी कहानी रो रो सुनाने हमसे ना होगी ऐसी नादानी है. चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे. चल दिल मेरे मिमिक्री आर्टिस्ट तो बहुत है लेकिन मिमिक्री सिंगर्स बहुत कम है. या आई थिंक उस वक्त नया नया गाने का शौक हुआ था और दो ही लोग थे जो गाते थे उस वक्त, बहुत ही मशहूर थे. नहीं बहुत सारे सिंगर्स मशहूर थे स्पेशली व्हेन आई वाज इन कॉलेज. पर एक और आवाज है जिसे हम कॉलेज में एंट्री मारने थे कॉन्सर्ट में, तो हम वैसे हम बहुत थोड़ा सा और गा दीजिए. दूर जितना भी तुम मुझसे पास देर मैं आरती है मुझको ऐसे जीने में. जिंदगी से कोई शिकवा ही नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमान. हम जज्बाती नहीं करेंगे आपको. हाँ. कॉलेज के वक्त याद नहीं कराएंगे. हाँ. तो फिर हम आपसे गाने कैसे गवाएंगे? अच्छा जी, गवाएं जी, जी. अब ये बताइए कि ये तो सवाल बहुत सारे हैं लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि हिना को अगर आप कोई गाना डेडिकेट करेंगे तो अपनी आवाज में या इन दोनों में से किसी की आवाज में? मेरा एक गाना रिलीज होने वाला है. दैट काइंड एक्सप्लेन्स इट. पर मैं वो नहीं गाना चाहूंगा हिना के लिए. आई थिंक जब लोग सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है. ओहो मार्केट में चल रहा है, मार्केट में क्या आने वाला है. इट्स वेरी इट्स अ लव सॉन्ग बट इट हैज अ सैड एंडिंग. आई डोंट वांट अ सैड एंडिंग इन माय लाइफ. अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो. सो बट द सॉन्ग इज प्रीटी रोमांटिकली. नाराज हुई हो और आपने उसे गाना गा के मनाया? क्या सैडली हिना को मेरा घर में गाना गाना खास पसंद है नहीं क्योंकि मैं बहुत गाता रहता हूँ. अच्छा, सो वो मुझे लगता है कि थोड़ा ओवरडू हो जाता है. अच्छा अगर आपको अपना प्रोफेशन चेंज करना होता तो आप क्या बनना चाहते? आई थिंक मैं कुछ भी बन जाता पर बनता इस इंडस्ट्री के अंदर ही. हाँ लेकिन मेरी ऑप्शंस तो सुन लेना. शेफ बनते, क्या नाम है, कॉमेडियन बनते या फिर आप पॉलिटिशियन बन जाते? नहीं पोप. आई थिंक मैं शेफ ही बनता. शेफ ही बनते? आई थिंक सो. कंफर्म? या तो इस इंडस्ट्री में तो नहीं है. क्या आप ही ऑप्शन में नहीं था वरना मैं 100% में कुछ ना कुछ यही करता मैं. ओके ओके ओके. अगर जिंदगी से कोई एक चीज आपको हटानी हो, एलिमिनेट करनी हो, तो व्हाट वुड दैट बी? मेकअप, एक्टिंग, सिंगिंग या शादी? मेकअप. मेकअप तो परमानेंट मेकअप करेंगे. वेरी वेरी इजी ऑप्शन. Okay. नहीं मैं वैसे ही, मुझे नहीं लगता मर्दों को ज्यादा मेकअप की कोई भी नहीं करता. जरूरत ही नहीं पड़ती है. मेरे ख्याल तो औरतों को भी अंडर आई कंसील हो जाता है. हाँ. तो मैं फ्री हो जाता हूँ. हाँ. उस काम से तो मुझे लगता है मेकअप
कैन बी स्किप्ड इजीली इजीली ओके चलो जब जिंदगी में मतलब एक चीज एलिमिनेट करनी हो तो मेकअप को एलिमिनेट कर सकते हैं आप. अच्छा अगर सुबह उठे और आपको पता चले कि अचानक $10 million आपके अकाउंट में आ गए हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे. ऑप्शन नंबर 1 वेकेशन प्लान करेंगे, पैसे विड्रॉ कराएंगे जल्दी जल्दी, या ख्वाब समझ कर दोबारा सो जाएंगे. ख्वाब समझ कर दोबारा तो मैं नहीं सोऊंगा, उठेंगे. शक है मुझे कि कहीं मैं दोबारा उठूं और ऐसा ना हो. ना हो तो और विड्रॉ भी मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि $10 million कैश का मैं क्या करूंगा. अच्छा तो आई थिंक कि मैं कुछ ऐसा ही करूंगा कि कोई हॉलीडे प्लान करूंगा या कुछ खरीद लूंगा या मतलब हॉलीडे प्लान करेंगे उसको यूटिलाइज करेंगे फौरी तौर पर. हाँ राइट ओके मैं जहाँ हॉलीडे करने जाऊंगा वो होटल खरीद लूंगा मैं. अरे वाह कुछ ऐसा शायद. अच्छा किसके ऑपोजिट आप एक्टिंग प्रोजेक्ट नहीं करेंगे इन तीनों में से, एमन खान, यमुना जैदी, किंजा हाशमी? एमन खान, यमुना जैदी एंड किंजा हाशमी मैं किसी के साथ भी कर लूंगा. लेकिन अब तीन ऑप्शंस दिए ना. अगर इनमें से ये चॉइस करना है कि किसके साथ पहले करूंगा, नहीं किसके साथ पहले नहीं किसके साथ नहीं करेंगे. क्या there's no reason to be honest. I think Eamon is not acting. So you can. But if she would ever want to make a comeback and I get a chance to be with her, I'll be more than happy because Eamon एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. पर हमने सवाल ये करना किया है कि किसके साथ. कोई और डालो ना ऑप्शन में फिर अभी तीनों अच्छी लड़कियां मैं क्या करूं अभी कोई रीजन ही नहीं बनता. फिर जब मैं कोई और डालूंगी तो तुम कहोगे ये कोई बुरी है क्या. नहीं, यार इन तीनों में से किसी एक का ले तो मेरे ऊपर डाल देना इल्जाम. एक इत्तफाक की बात बताता हूँ मैं आपको. मैंने किंजा के साथ भी काम नहीं किया अभी तक. इत्तफाक है कि यमुना के साथ भी काम नहीं किया है और एमन के साथ भी काम नहीं किया. तो मेरे पास किसी के मेरे पास रीजन तब हो सकता है जब मैंने किसी के साथ काम किया हो, मैं जानता हूँ कैसा हो. अब काम ही नहीं किया है तो मुझे नहीं पता है कि हाउ वुड दे बी. कितना बड़ा रोंदू है ये. नहीं बट सीरियसली एक का बता दो यार. मतलब आपके आपके सवाल में गलती है. यार मेरे सवाल में गलती नहीं है लेकिन क्योंकि गलतियां ढूंढ ही रहे हैं तो हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक. यू डोंट गो एनीवेयर, वी आर कमिंग बैक. चॉकलेट टाइम्स और मैं मौजूद हूँ आपके साथ और आपके सामने और मेरे साथ मौजूद हैं आगा अली और बाकी मेरी टीम भी मौजूद है. लेकिन 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 आगा ने हमें इतनी बातें सुनाई हैं, इतनी बातें सुनाई हैं कि हमारे कानों से धुएं निकल गए हैं. आगा इतनी बातें तो सुना ली हैं, अब गाना भी सुना ही दें. जरूर जरूर क्यों नहीं क्यों नहीं. लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ कि आगा लिप सिंक नहीं करते लिहाजा वो लाइव गाने वाले. आई थिंक लिप सिंक में मजा नहीं आता है. मज़ा और जब इतने फैंटास्टिक म्यूजिशियंस हो तो फिर आप क्यों लाइव नहीं गाएंगे. तो मेरी एक बहुत ही खूबसूरत मेमोरी है, एक प्रोजेक्ट है खुदा देख रहा है. और बहुत ही लवली है कि सज्जल विद मी एंड सादिया जब्बार उन्होंने वो प्रोड्यूस किया था. right. तो उसका जो ओएसटी था आई कंपोज दैट, रोट दैट एंड संग दैट. Wow. तो अगर आज अब तो काफी साल हो गए तो थोड़ा सा उसकी याद ताजा की जाए. आइए खड़े हो गए. जी बिल्कुल नहीं यार खड़े हो के गाए. अखियां नम नम होई आज मैं ले गया कोई मेरा जिया. पुछ पुछ मैं थक गई आ किस गल दी सजा मैनू देवे खुदा. हर बारी कहते मेरा कसूर मैं जाना केड़े पासे मैं तो जाना ही ना. हर बारी जावा हार मैं मंगा मेरा प्यार मैं किदा किदा तरला करा. दस दस कि मैं यार मनावा दस दस मैं केड़े पासे जावा. अपने जे हूं खैर कि मैं मंगाना अपने यार दिया. दस दस अज की है खता मेरी कथों की सिंधड़ी तू जवा मेरी अपने सारे खैर में खैर
प्यार दिया। लेकिन कृष्ण की